नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, पहले हमने एक वीडियो में बात की थी लक्ष्मी नारायण जी से, उन्होंने औषधि खेती के बारे में हमें जानकारी दी थी। तो आज हम उनके कद्दू के फार्म पे आए हैं, तो आज हम उनसे जानकारी लेंगे कद्दू की खेती के बारे में कि कद्दू की खेती किस प्रकार से की जाती है और उनका कद्दू की खेती के प्रति क्या एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना उद्घाट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही पास में मैंने घंटी वाले बेल आइकन को दबाया जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। जी, तो आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, तो आप कद्दू की खेती अभी कितनी जगह में कर रहे हैं? अभी सर 15 बीघे में कर रहे हैं। तो कितने सालों से आप कद्दू की खेती कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या रिजल्ट इसका मिला था? फर्स्ट बार जब हमने लगाए थे उस समय ये करीब 25 से 50 क्विंटल बीघे के निकलते हैं। तो फर्स्ट बार जब सोयाबीन बोते हैं उस समय सोयाबीन को मतलब नहीं निकला, फिर कद्दू लगाना शुरू कर दिया। तो एक ही बार में 3.5 से 4 लाख रुपये करीब इससे निकले थे मेरे 15 बीघे से। तो आपने जब अभी कद्दू लगा रखे तो इसकी बुआई आपने कब की? इसकी बुआई हमने 10 मई को की थी। 10 से लेकर 15-20 मई का महीना पूरा इसका कद्दू लगाने का उचित होता है। तो इसकी बुआई कैसे की जाती है? इसको सिर्फ 300 ग्राम बीज लगते हैं पर बीघे के हिसाब से। पहले क्यारी डाल दो, फिर उसके अंदर लगा दो बीज को। तो अभी आपने कौन सी वेराइटी के कद्दू लगा रखे? अभी जो लगा रखे हैं ये तो माइक्रो कंपनी के ला के लगाए थे, बाकी एक इंदौर के और अलग आते हैं वो अभी हमने उसका। तो इनके बीज पौधों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? फीट बाई फीट। तो इसकी जब हम इसे बुआई करते हैं तो इसके खेत की तैयारी कैसे की जाती है? खेत को तो इसमें कुछ करने ही नहीं है आपको, सिर्फ दोरा डाल दो करीब 8 से 10 फीट के अंतराल में, उस दोरे के अंदर बुआई की जाती है। उसके बाद इसमें सिंचाई की क्या सिस्टम इसमें रहता है? 8 से 10 दिन में एक बार सिंचाई करनी पड़ती है और 5 से 6 बार सिंचाई करने के बाद बारिश आ जाती है, फिर ऑटोमेटिक होता रहता है ये। तो इसमें आपने क्या सिस्टम अभी इसमें लगा रखा है सिंचाई का? सिंचाई का तो सर हम वैसे ही मोटर चलाते हैं, मोटर से पानी आता है और फुहारे के पाइप लगा रखे हैं, उससे हम क्यारे के अंदर पानी घुमा देते हैं। तो जब आपने कद्दू की खेती कर रहे हैं आप, तो इसमें कौन कौन सा आपने अभी खाद डाला है? इसमें सिर्फ गोबरी खाद डालना पड़ता है और बाकी एक बार इसमें कोई अगर कोई लग जाए इसके ऊपर कीड़ा तो एक बार इस पर दवाई स्प्रे करनी पड़ती है। तो जैसे आप 3 सालों से इसमें खेती कर रहे हैं कद्दू की, तो अभी तक आपने क्या देखा है कौन सी इसमें बीमारियां लगी है? बीमारी इसमें सर कुछ नहीं आती है, बस ये कद्दू एक ऐसी वेराइटी है जिसमें एक बार लगाओ, सिर्फ एक ही बार इसमें दवाई डालनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना पड़ता है। हल्का आप इसको यूरिया दे सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें लेबर कितनी लगती है? बिल्कुल नाम मात्र, बहुत कम लेबर लगती है इसमें। जब हम इसकी बुआई करते हैं तो उसके कितने समय बाद इसमें फल तोड़ना शुरू हो जाता है? ये तो 2.5 से 3 महीने के अंदर तो पूरा खत्म, दो महीने बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाता है और 2.5 महीने बाद निकलना शुरू हो जाता है। तो कितने समय तक इसकी तुड़ाई चलती है? 1 महीने तक, 1 महीने में 3 बार तुड़ाई होती है इसकी। तो इसमें उत्पादन प्रति बीघा के हिसाब से कितना होता है? करीब 40 से 50 क्विंटल आराम से निकल जाता है। तो इसका बाज़ार में भाव क्या मिलता है? बाज़ार में भाव सर इसका कम से कम मिनिमम मान लो तो 4 रुपये से लेकर 10 रुपये 15 रुपये किलो तक बिकता है, जैसे मौसम के हिसाब से। तो क्या अनुमान रहता है कि 1 बीघा से कितने कमाई हो जाती है? इसमें 1 बीघे में करीब कम से कम भी मान लो आप तो 20,000 और अधिकतम तो 50,000 तक की इनकम हो सकती है। तो आप यहाँ इतने बीघे में कद्दू खेती कर रहे हैं तो इसका मार्केट क्या रहता है? इसका मार्केट तो सर ये तो एक तो ये अपने जो बड़े बड़े शहर है, उदयपुर है, जयपुर है, दिल्ली है, जहाँ पे इनकी पैदावार कम होती है वहाँ अपन इसको बेच सकते हैं। मंडी में डेली वेज रिपोर्ट लेते रहो और जहाँ अच्छा भाव हो वहाँ बेच दो। तो आपने पहली बार मंडी में कांटेक्ट कैसे किया? मंडी में तो मंडी जाके ही किया था सर मैंने, तो हर मंडी में जाके सब तक कांटेक्ट नंबर ले लिए और जहाँ अच्छा भाव होता है वहाँ बेच देते हैं। तो जो हमारे किसान परंपरागत खेती करते हैं उनके लिए आप ये कद्दू खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा हर काश्तकार को अगर अब जिस ज़मीन है उसमें 25% हिस्सा कद्दू लगाना चाहिए ताकि उसे वो अच्छे पैसे कमा सके और आगे बढ़ सके। एक तो जैसा कि हम देखते हैं कि लोग परंपरागत खेती करते हैं, आप 3 सालों से कद्दू खेती कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा क्या है दूसरी फसलों से मुकाबले में? सर दूसरी फसलों में 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा आप कमा नहीं सकते हो। सोयाबीन वगैरह से कुछ भी करो आप 3 से 4 क्विंटल होती है, 10-12 हज़ार होते हैं, उसमें से 6-7 हज़ार रुपये खर्चा लगता है, 4-5 हज़ार रुपये बचते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिनिमम भी मान लो तो 15 से 20 हज़ार आप कम से कम भाव मिलेगा तो ही आपको मिलेगा और अच्छे में 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो मेन चीज़ इसमें एक और है इसमें कि किसान को 6 से 6 महीने में पैसे मिलते हैं। ये 2-2.5 महीने में आने वाली फसल है, मई में अपन लगाते हैं, जून और जुलाई के महीने में शुरू हो जाते हैं, अगस्त लास्ट तक चलते रहते हैं 1 से 1.5 महीना तक।
तो जो बारिश का मौसम है उसमें काश्तकारों के पैसे नहीं रहते हैं, ये पैसे आने का एक अच्छा जरिया है, इससे हमें बारिश के मौसम में भी पैसे मिलते हैं तो हमारा काम कहीं पर रुकता नहीं है, इसलिए हम कद्दू लगाते हैं। आपने इस सीज़न में कितना बेच दिया कद्दू? सर हमने करीब 200 क्विंटल इस बार बेच दिया मैंने, वो 6-7 रुपये के भाव से गए हुए हैं, तो 1 से 1.5 लाख रुपये की इनकम अभी फिलहाल इसकी हो चुकी है, अभी एक तुड़ाई इसकी और बाकी है। किसान साथियों, आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.